अस्सलाम वालेकुम, आज 3 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस और मैं हूँ इमरान सुल्तान। बुलेटिन में सबसे पहले बताएं कि साबिक चीफ जज जीबी राणा शमीम ने तहरीरी बयान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से गिलगित में गुफ्तगु हुई, वो साकिब निसार का सामना करने को तैयार हैं। राणा शमीम का कहना था कि उन्होंने बयान हलफी पब्लिक नहीं किया, तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राणा शमीम के बयान हलफी से मुतालिक तौहीन अदालत केस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अथर मिनल्ला ने समाप्त की। शोकाज नोटिस पर तहरीरी जवाब में राणा शमीम ने कहा, साकिब निसार से गुफ्तगु गिलगित में हुई, साकिब निसार का सामना करने के लिए तैयार है। ये गुफ्तगु 15 जुलाई 2018 की शाम 6 बजे के करीब हुई। बरतानिया में बयान रिकॉर्ड करने का मकसद बैरून मुल्क महफूज रखना था। अपनी जिंदगी में बयान हल्फी पब्लिक नहीं करना चाहता था, बयान हल्फी किसी से शेयर किया न ही प्रेस में जारी किया, इस वजह से तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। राणा शमीम ने कहा, अदलिया को मुतनाजा बनाना मकसद नहीं था, जो कुछ हुआ उस पर अफसोस का इजहार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं। साबिक चीफ जज ने कहा कि उन्होंने हकाइक रिकॉर्ड पर लाने का मरहूम अहलिया से वादा किया था। तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस वापस लिया जाए, तौहीन अदालत का इरादा होता तो बयान हल्फी मीडिया को जारी करता। साबिक चीफ जज राणा शमीम ने कहा कि उन्हें किसी ने धमकी नहीं दी, तहम उनकी गाड़ी का पीछा किया जाता है। थाने में एप्लीकेशन देंगे? कोई धमकी नहीं किसी ने दी, मुझे सिर्फ गाड़ी फॉलो करती है, मैंने कहा है, उसका नंबर हमने दिया है वकील साहब को, दोनों नंबर दिए हुए हैं, दो गाड़ियां हैं। तो आप थाने में दरखास्त देंगे सर? उलमाए किराम ने श्रीलंकन हाई कमीशन का दौरा किया और हाई कमिश्नर से सानिहा सियालकोट पर इजहार अफसोस किया। उलमा ने वाकई की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने जुमे को यौम मजम्मत मनाने का ऐलान भी किया। सानिहा सियालकोट की मजम्मत के लिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल और उलमाए किराम की श्रीलंका हाई कमीशन आमद। हाई कमिश्नर से मुलाकात में वफूद ने इजहार ताजियत किया और मुतासरा खानदान को मुकम्मल तआवुन का यकीन दिलाया। मीडिया से गुफ्तगु में उलमाए किराम ने वाकई की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। सियालकोट में जो सानिहा पेश आया है उसने हम सबको हला कर रख दिया। जो लोग इस वाकये में मुलव्वस हुए और जिन्होंने श्रीलंकन भाई की साथ ज्यादती की, वो बदतरीन सजा के मुस्तहिक हैं। दिस इज सच अ बारबेरिक, सच एन अनह्यूमन एंड सच अ क्रूअल एक्ट, नो वन कैन सपोर्ट इट, नो वन कैन जस्टिफाई। इट्स नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स एंड द सेंटीमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी पीपल। इस वाकये की पुरजोर मजम्मत करते हैं, उस खानदान के साथ इजहार हमदर्दी करते हैं। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया। सियालकोट का हालिया सानिहा एक अलमिया है। हुजूम की सूरत में बेरहमाना अंदाज में एक इंसान को मारा पीटा गया, मावराय अदालत कत्ल का ये एक भयानक और खौफनाक वाक़या है। तो हीने मजहब का इल्जाम लगाकर ये एक गैर शरी हरकत की गई। ये पूरी सूरत हाल कुरान सुन्नत आइन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और मुल्क में राय जुर्म सजा के कवानीन सरासर खिलाफ है। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान के इकदाम पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। द मैनर, द क्लर्जी, द गवर्नमेंट, द पीपल हैड रिसन अप टू टेक एक्शन इन कैचिंग द कल्प्रिट्स, रिमांडिंग देम एंड इनिशिएटिंग लीगल प्रोसीडिंग्स इज वेरी सेटिस्फाइंग। उलमाए किराम ने श्रीलंकन हाई कमिश्नर को यकीन दिलाया कि मुजरिमों को करार वाकई सजा दी जाएगी। वफाकी वजीर इत्तला'आत फवाद चौधरी और मावने खुसूसी उस्मान डार ने श्रीलंका के हाई कमिश्नर से मुलाकात की। मुलाकात में सियालकोट वाकये पर हुकूमती इकदाम से आगाह किया। उस्मान डार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सियालकोट की इंडस्ट्री इस वाकये पर शर्मिंदा है, ऐसा शर्मनाक वाकया पूरी सनत का चेहरा मस्क करता है। सियालकोट के लाखों मजदूर, मेहनतकश मजदूर जो इंडस्ट्री के लिए भी काम कर रहे हैं और अपने अहले खाना के लिए भी काम कर रहे हैं, और ऐसे चंद अनासर जब वो इस तरह एक शर्मनाक वाकया सामने आता है तो वो सारी इंडस्ट्री के लिए, सारी लेबर फोर्स जो सियालकोट के मेहनत कश मजदूर हैं उनका भी चेहरा मस्क के रख देते हैं। और हम समझते हैं कि ऐसे वाकयात की हर सतह पर मजम्मत करनी चाहिए और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी जल्द से जल्द इस पर ट्रायल शुरू किया जाए और एक स्पीडी जस्टिस जो उस फैमिली मुंतजर भी होगी, इंशाल्लाह ताला ये सारे अपने कैफे के दायरे पहुंचेंगे।
सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर प्रियांथा कुमारा को बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान को तमगा शुजात देने की तकरीब आज वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में होगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट में लिखा कि मलिक अदनान वजीर आजम हाउस में खास मेहमान हैं, तकरीब में उनकी खिदमत को सराहा जाएगा। वजीर आजम ने मलिक अदनान के लिए तमगा शुजात का ऐलान किया था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के तलबी पर चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पार्लियामेंट गए और इजलास में शिरकत की। चेयरमैन पीएसी राणा तनवी ने कहा कि आने में बहुत देर लगा दी। चेयरमैन नैब बोले, किसी शख्स को पार्लियामेंट की बालादस्ती से इनकार नहीं, वजूहात के बिना पर पेश नहीं हो सका था। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश हुए और इजलास में शिरकत की। चेयरमैन नैब की आमद पर चेयरमैन पीएसी ने कहा, कुफर टूटा खुदा खुदा करके आने में बहुत देर लगा दी, जिस पर चेयरमैन नैब ने जवाब दिया, किसी को पार्लियामेंट की बालादस्ती से इनकार नहीं, हमेशा जायज वजूहात के बाइस कमेटी में नहीं आ सका। चेयरमैन पीएसी राणा तनवी ने कहा, नैब की कारकर्दगी मीडिया पर ही बताते हैं, पीएसी को एतमाद में लेना चाहिए। चेयरमैन नैब ने कहा कि कमेटी का एक खसूसी इजलास बुला ले, सब सवालों के जवाब दूंगा। इजलास में नैब की ऑडिट रिपोर्ट 2018 और 19 पर गौर किया गया, जिसमें बताया गया कि माली साल में नैब ने 38 करोड़ रुपए के इजाफी खर्चात किए। पीएसी ने करप्शन केसेस की तफसीलात के लिए खसूसी इजलास बुलाने का फैसला किया। 23 मार्च आलमी और कौमी सतह पर मनाया जाता है। ओपोजिशन संजीदगी का मुजाहरा करे, अपना मार्च 23 मार्च से 15 दिन कबल या 7 दिन बाद ले जाए। वजीर दाखला शेख रशीद का ओपोजिशन को मशवरा, इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, कहा अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। फजलुर रहमान ने तहरीक चलाने का वक्त जाया कर दिया। पाकिस्तान पहला मुल्क है जहां अपोजिशन ने 4 माह पहले कॉल दी है और यौम पाकिस्तान पर दी है, और मैं मौलाना फजल रहमान साहब से और शहबाज शरीफ से खास तौर पर कहना चाहता हूं कि 23 मार्च जो है वो फौज पाकिस्तान का एक आलमी सतह पर मनाए जाने वाला दिन है, इसको 15 दिन पहले लें या 7 दिन बाद ले जाएं। जो जंगी हथियार हैं वो सारे जो परेड में आते हैं वो जीटी रोड से आते हैं, और 6-7 दिन पहले ये रास्ते बंद हो जाते हैं। फिर अपोजिशन ये इतराज ना करे कि हमारे रास्तों को बंद किया गया। मैं अपोजिशन को गौर व फिक्र की दावत देता हूँ, इमरान खान इंशाल्लाह ताला अपने 5 साल पूरे करेगा। असल वक्त तहरीक चलाने का वही था जब फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद आए थे, अब तो चल चलाओ। बहुत ही दिल हला देने वाला वाकया हुआ है। श्रीलंकन हाई कमीशन को ये यकीन दिलाया कि हम बहुत सख्त कदम उठाएंगे इनके खिलाफ। अवाम के फैसले किसी को बंद कमरे में करने नहीं देंगे। 23 मार्च को रवायती नहीं अवामी परेड होगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मईशत की बेहतरी का प्रोग्राम सिर्फ नून लीग के पास है। हम पाकिस्तान के अवाम के फैसले किसी को बंद कमरे में करने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम करेंगे। 16,000 अरब का कर्जा चढ़ चुका है इस हुकूमत के 3.25 साल में। इसको कहते हैं गैर पैदावारी कर्जा, जो अगली हुकूमत के गले का फंदा है। ये पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, हमने पाकिस्तान को इनसे बचाना है। आज पाकिस्तान जहां पहुंच चुका है उसको आप टैंकों और तोपों से नहीं बचा सकते। आज पाकिस्तान को जिस हथियार की जरूरत है उस हथियार का नाम है कुव्वत-ए-अवाम, और मुस्लिम लीग नून इसी हथियार के जरिए पाकिस्तान की तामीर नौ करना चाहती है। कराची में कस्टम हुक्काम के छापे के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज हैं। ताजिरों का कहना है कि हुक्काम मार्केट का क्षेत्र तोड़कर करोड़ों रुपए का सामान ले गए। कराची की लखनऊ अलजदीद मार्केट पर गुज़श्ता शब कस्टम इंटेलिजेंस की कार्रवाई, स्मगल शुदा कपड़ा जब्त कर लिया। छापे के खिलाफ ताजिरों का एहतजाज, पुलिस पर पथराव किया, तोड़फोड़ की और टायर जलाई। पुलिस ने हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज करते हुए कई ताजिरों को गिरफ्तार कर लिया। काम ताजिर रहनुमा कहते हैं 1.5 साल से चमन और तुरखम सरहदें बंद हैं, स्मगलिंग कैसे हो सकती है। सदर अल्लाह वाला क्लाथ मार्केट आसिफ गुलफाम का कहना है कि 100 से ज्यादा दुकानें हैं, 4 से 5 पर कार्रवाई हुई है। अल जदीद में तकरीबन जो है वो 100 से ज्यादा दुकानें हैं, लेकिन मेरे ख्याल है कोई 4 से 5 दुकानों पे जो है वो कार्रवाई। मार्केट के जनरल सेक्रेटरी नजर खान ने बताया हुकाम शटर तोड़ कर करोड़ों का माल ले गयी। मार्केट का मेन शटर तोड़ा गया सर,
और यहाँ पर जो है ना यहाँ से माल लेकर जा चुके हैं, कम से कम 6-7 करोड़ रुपए का माल लेकर गए। गुज़श्ता शब जामा क्लॉथ मार्केट से मुतासिल कपड़े की मार्केट में कस्टम्स इंटेलिजेंस ने स्मगलिंग के माल की तिला पर छापा मारा था। यंग डॉक्टर्स कराची समेत सिंध भर में दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज हैं। ओपीडीज बंद होने से मरीज रुल गए। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट देखते हैं। कराची समेत सिंध भर में यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज, ओपीडीज का मुकम्मल बायकॉट। जो भी हमारे जायज मुतालबात हैं, हमारी रिक्वेस्ट है कि वो सर पूरे किए जाए। हमने सिर्फ ओपीडी का बायकॉट किया। हमारे मेन मुतालबात 40-year फार्मूला ऑन हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस है। 4th year फार्मूले के ऊपर समझे कि 50% तक काम हुआ है और बाकी हेल्थ प्रोफेशनल पे अभी तक नहीं हुआ है। इमरजेंसी के अंदर ओपीडी चला रहे हैं, इमरजेंसी के अंदर जो इमरजेंसी केसेस हैं वो डील हो रहे हैं, इमरजेंसी ओटीज चल रही हैं, वार्ड में एडमिटेड केसेस चल रहे हैं। इनके बावजूद फिर भी हम चाहते हैं कि ओपीडी चले, लेकिन मुझे लगता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है अभी तक नहीं चाहता कि ओपीडी जो है वो चल सके। मरीज रुल गए, चेकअप कराने के लिए लवाइकी इनके साथ दर बदर भटकने लगे। इधर आ रहे हैं डॉक्टर नहीं ओपीडी में, ये तो नहीं होता है ना। ओपीडी है, कितने मरीज इधर मर रहे हैं, कोई खुदा को भी करो, खुदा को हाजिर नाजर। ओपीडी के लिए आए हैं और ओपीडी कह रहे हैं कि डॉक्टर मौजूद नहीं है, बहुत परेशान हो रहा हूँ। यहाँ ओपीडी के लिए आए हुए और छुट्टी लेके आए हैं, अब यहाँ तो नहीं होगा कुछ, तो डॉक्टर तो ये नहीं हड़ताल करके बैठे हुए हैं। आए थे सर, कह रहे हैं सर्जरी कल ओपीडी में दिखाए तो डॉक्टर नहीं है, कह रहे हैं कि 3 दिन भी लग सकते हैं और 1 हफ्ता भी लग सकता है। यंग डॉक्टर्स का मुतालबा है कि इनकी तनख्वाहें और रिस्क अलाउंस में इजाफा किया जाए। एक जानब नर्सेस का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है तो दूसरी जानब यंग डॉक्टर्स ने सिंध भर में सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज का बायकॉट कर रखा है, जिसके बायस मरीज शदीद परेशानी का शिकार हैं। कैमरामैन कैसर अब्बास के साथ अनुषा जाफरी, आज न्यूज कराची। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट मौसूल होने की तस्दीक कर दी। कार रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए जुमरात को इजलास होगा, फिर आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे रेहान शेख से। जी रेहान शेख, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अब से कुछ देर कबल जो है मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने बताया कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट मौसूल हो गई है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सील है और सील रिपोर्ट मेरी टेबल पर मौजूद है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट मैंने अभी तक कुछ नहीं देखी। पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग से मुतलिक स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए जुमेरात को इन कैमरा इजलास बुलाया है और इजलास में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट भी सील करके जायजा लिया जाएगा और रिपोर्ट का जायजा लेकर आइंदा के लाया अमल तय किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गैर रस्मी गुफ्तगु, कहा पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट मौसूल हो गई। हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे रेहान शेख, आपका बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। कराची में डेंगू से मुतासर जिना अस्पताल के डॉक्टर महमूदुल हसन इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर महमूदुल हसन जिना अस्पताल में जेर इलाज थे। सिंध में डेंगू से अमवात की तादाद 26 हो गई है। मजीद बताएंगे कामरान शेख। कामरान बताइएगा। बिल्कुल सादिया, अफसोसनाक इतला है। एसोसिएट प्रोफेसर थे डॉक्टर महमूदुल हसन, जिनका ताल्लुक जिना अस्पताल में था, अस्पताल के वार्ड 5 में अपने सर्विस में अंजाम दे रहे थे, वो इंतकाल कर गए हैं। डेंगू वायरस उनको डायग्नोस हुआ था। रवा साल की अगर बात की जाए तो डेंगू वायरस के जाबाक अफराद की तादाद 26 हो चुकी है, जबकि सूबे भर में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 6146 हो चुकी है। ये पहले डॉक्टर हैं डॉक्टर महमूदुल हसन, जिनका आज इंतकाल हुआ है, लेकिन इस हवाले से अभी तक सिंध हुकूमत का कोई खातिर का इकदाम नहीं। कामरान शेख, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।